हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कॉमर्स सतीश के चैनल में। जैसे आपने लास्ट वीडियो देखे होंगे कि उसमें हम डिस्कशन करते आ रहे हैं कि हमने लास्ट डिस्कशन किया था आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन का, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो मैंने आपसे डिस्कशन किया कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ग्रुप एक्टिविटी है जिसमें हम सारे रिसोर्सेज को मिला करके और क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को फिल करने के लिए काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक क्या, हमने बताया आपको कि ऑर्गेनाइजेशन एक मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। उसी को हम आगे समझते हैं और देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से और आगे काम करता है। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जैसे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, इस तरह की क्यूरी के लिए आप वीडियो क्लास तक बने रहिए, देखते रहिए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम आपके लिए आज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या स्टार्ट करते हैं हम आज आपके लिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और कौन सा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से जो मैनेजमेंट ने बनाया है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बनाया है, जिसमें सारे रूल्स हैं, सारे डिसिप्लिन हैं, जिसमें रिटन फॉर्म में हर चीज़ है, जिसमें रूल हैं, रेगुलेशंस एक स्पेशल फॉर्म है, जिसमें हम आप सब लोग मिलके एक दायरे में अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं, वो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कौन सा कहलाता है, हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। क्लियर बात। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें रूल्स हों, जिसमें रेगुलेशंस हों, जिसमें अथॉरिटी होती है, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें प्रॉपर लैंग्वेज होती है, जिसमें सीनियरिटी है ना, जूनियरिटी, सब चीज़ें क्या होती हैं, फिक्स होती हैं, वो चीज़ क्या कहलाती है हमारी, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। क्लियर। चलो, अब हम इसी के दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। चलिए, कर देंगे थोड़ी देर में, पर अभी हम समझ लेते हैं कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं। अगर हम एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर्स देखो, इधर जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, इससे कि भाई यहाँ पर एक सिस्टमेटिक तरीका दिख रहा है आपको कि जो एम्प्लॉई है वो अपने प्लेस पर बैठे हुए हैं, इनको जो ड्यूटी दी गई है वो परफॉर्म कर रहे हैं, ये मैनेजर है या वहाँ का जो हेड है वो बैठा हुआ है, वो अपने केबिन में अपना राइट्स एंजॉय कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर काम कर रहा है। तो इस तरह से विल मैनेज जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिसमें अथॉरिटी होती है, जिसमें सबको अपना अपना दायित्व पता होता है, जिसको अपनी लाइबिलिटी पता होती है, जिसमें एक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या कहलाता है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आप समझ रहे हैं यहाँ पर। क्लियर है। चलिए देखते हैं कुछ कैरेक्टर्स, इसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, पहले से डिसाइड होती है आप किस चीज़ के लिए ऑथराइज हैं, आपके पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या आपके राइट्स होंगे, ये सब चीज़ें पहले से ही क्या कर दी जाती हैं, डिसाइड कर दी जाती हैं, और आपको आपका डेजिनेशंस और आपको आपकी वर्किंग स्टाइल, आपको आपकी लाइबिलिटीज़, आपकी अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर चीज़ क्या कर दी जाती है, बता दी जाती है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर डिसाइड होती है ना। रिटर्न रूल्स एंड प्रोसीड, हर चीज़ किस फॉर्म में होती है, यहाँ पर रिटर्न फॉर्म में होती है, प्रॉपर लैंग्वेज में होती है। प्रॉपर लैंग्वेज का मतलब क्या है कि हर एक तरह से कोई सी भी लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाती थी कि कुछ तो भी हमने यूज़ कर दिया, कोई सी भी लैंग्वेज यूज़ कर दी, नहीं, यहाँ पर एक प्रॉपर लैंग्वेज होती है, प्रॉपर प्रोसीड होता है, रिटर्न फॉर्म होता है। क्लियर है, ओके। ये किसके द्वारा बनाया जाता है, टॉप लेवल के द्वारा, किसके द्वारा, टॉप लेवल, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा क्रिएट किया हुआ ऑर्गेनाइजेशन है ना। फोकस ऑन जॉब, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ किस पे फोकस करते हैं, हमारे जॉब पर, जो हमारा काम है, जो हमारी वर्किंग है उस पे फोकस करते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ जॉब एंड पोजीशन, देखो एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एक मैंने रूप बताया, संरचना रूपरेखा तैयार की जाती है, उसी हिसाब से ये लोग काम करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, हमें क्या पता चल गया, ये पता चल गया कि ऑर्गेनाइजेशन के, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। इसके अपने अलग एडवांटेज हैं, इसके अपने डिसएडवांटेज भी अलग हैं, लेकिन अभी हमको क्या पता चल गया, कैरेक्टर्स। अच्छा, हम अब इसके दूसरे पहलू को देखते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं और कौन कौन सी चीज़ होती है, देखते हैं। देखो, यहाँ पर हमने बनाया आपके लिए एक डायग्राम जिससे आप समझ सकते हैं, आपको क्लियर हो कि देखो कोई लोग सिस्टमेटिक नहीं है, कहीं भी कोई भी बात कर रहे हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, ये आके यहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये कौन सा लोग हो गए, इनफॉर्मल। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, वर्किंग में हैं, वो लोग आपस में ही अपने रिलीजन के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से आपस में ही बातचीत करने लग जाते हैं और एक दूसरे की हेल्प करने लग जाते हैं, जिसका फॉर्मल भी जैसे कोई लेना देना नहीं होता है। उस ऑर्गेनाइजेशन को जो सेल्फ क्रिएटेड है, जो वॉलेंटियर है, जो अपनी इच्छा से बन जाता है, सेल्फली अपने आप ही क्रिएट हो जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। क्लियर है आपको बात। तो इनफॉर्मल वो ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें ना ये क्या होता है, स्पोर्ट तुरंत क्रिएट हो जाते हैं। हम चार लोग मिले, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक रिलीजन का बंदा काम कर रहा है, अगर दूसरा बंदा उसी रिलीजन का आता है, तो जनरली क्या हो जाता है, वो उसके साथ मिलकर काम करने लग जाता है, या आपस में वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करने लग जाते हैं। तो वो चीज़ क्या बन जाती है हमारे लिए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वो अपने आप एक दूसरे को हेल्प करने लग जाते हैं, एक दूसरे को समझने लग जाते हैं, इस तरह से। तो एक ऑर्गेनाइजेशन सेल्फ जनरेटेड होता है, स्पोर्टली जनरेट होता है, नेचर कल्चर के हिसाब से, उसको हम कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई एक दूसरे के लिए काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई एक दूसरे की अथॉरिटी नहीं है, कोई सी इसमें प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है, ना ऐसा है कि हमने आपको काम दे दिया तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, या आपका काम हमने कर दिया तो मैं रिस्पॉन्सिबल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। साजिद ना तो डेजिनेशंस हैं, सब एक तरह से फ्रेंड सर्कल के हिसाब से, एज अ फ्रेंडली नेचर के हिसाब से ये लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लेते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टेबलेस स्पोर्टली वॉलेंटियर मतलब अपनी स्वेच्छा से, आपकी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से ही काम करो, आप अपनी इच्छा से क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और अपनी इच्छा से ही अपने लोगों के साथ मिल जाए। ह्यूमन रिलेशनशिप से डेवलप होता है हमारे आपके व्यवहार, नेचर, कल्चर और रिलीजन और टेस्ट से ये ऑर्गेनाइजेशन बनता है। बेस्ड ऑन कॉमन टेस्ट, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि दो लोग अगर एक ही टेस्ट को पसंद करते हैं, एक ही चीज़ को पसंद करते हैं, तो जनरली वो एक दूसरे से क्या करने लग जाते हैं, ज़्यादा बातचीत या घुल मिल के काम करने लग जाते हैं। क्लियर? हाँ, तो ये बेस्ड ऑन कॉमन टेस्ट, रिलीजन्स, कल्चर्स, अगर दो एक सेम कल्चर, अगर कोई कहीं साउथ इंडियन पर्सन है हमारे यहाँ काम कर रहा है और अगर दूसरा साउथ इंडियन पर्सन आ जाता है तो जनरली वो उसके साथ मिलकर काम करने लग जाता है या उसके साथ अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेशन ज़्यादा हो जाता है। तो रिलीजन, कल्चर्स, टेस्ट, इस तरह से जो एक ऑर्गेनाइजेशन अलग ही बन जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं बच्चों, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, नो इसमें कोई रिटर्न रूल्स, रेगुलेशंस कुछ भी नहीं होता है, इसमें कोई एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि दो लोग देखो एक से हैं तो आपस में हो सकता है, या एक जैसा काम कर रहे हैं तो दोनों लोग, या दोनों एक रिलीजन से बिलोंग कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, आपस में अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के एक नया ऑर्गेनाइजेशन जनरेट या आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। देखो इस तरह के कुछ एग्जांपल्स आपको और मिल जाएंगे, जैसे हम लोग काम करते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में तो प्रॉपर वे में काम करते हैं, लेकिन जब एक फ्रेंडशिप रिलेशन डेवलप हो जाता है तो हम क्या पूछने लग जाते हैं, आपकी बेटी की तबीयत कैसी है, आपका बेटा कैसा है, आपकी तबीयत कैसी। तो इस तरह से जो एक नया ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, चलो आप आज परेशान हैं तो आपका हेल्प मैं कर देती हूँ, कर देता हूँ, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जो क्रिएट करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब दोनों ऑर्गेनाइजेशन के अपने खुद के अलग अलग बेनिफिट्स हैं, फॉर्मल अपनी जगह बेस्ट है, इनफॉर्मल भी अपनी जगह बेस्ट है। तो दोनों के क्या बेनिफिट्स हैं, दोनों के क्या एडवांटेज हैं, दोनों के क्या डिसएडवांटेज हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए साथ में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और अच्छे वीडियो देखने को मिल सके। ओके, थैंक यू।